नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल ताकड़ क्रिकेट में। दिल्ली कैपिटल की धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल 2022 की पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव आया है। जहां दिल्ली कैपिटल को बड़ी खुशखबरी मिली है, तो वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स को सबसे बड़ी सजा मिली है। इसके अलावा दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स भी इस मुकाबले के बाद बेहद ही खुश हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण बताने वाले हैं कि आखिरकार इस समय कौन सी टीम किस नंबर पर है और साथ ही अब कौन सी चार टीमें हैं जो प्ले ऑफ खेलने वाली हैं, यानी कि प्ले ऑफ में पहुँचने वाली फिलहाल चार टीमें हम आपको बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे कि किस टीम के कितने प्रतिशत चांस हैं कि वो अभी भी प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करे, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, यह मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोनों टीमों को जीत बेहद ही जरूरी थी। लेकिन इस मुकाबले में बाजी मारी दिल्ली कैपिटल ने। दिल्ली कैपिटल ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से एंड फिंच, वेंकटेश अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए, तो वहीं पर सरेश अय्यर भी 42 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। टीम की तरफ से सबसे ज्यादा नीतीश राणा ने 57 रनों की पारी खेली, जिसके बदौलत टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 146 रनों का स्कोर खड़ा किया। शानदार गेंदबाजी की कुलदीप यादव और चेतन सकारिया के साथ साथ मुस्ताफिजुर रहमान ने और यहां पर एक बड़े स्कोर बनाने से रोका कोलकाता नाइट राइडर्स को। वहीं पर इस 146 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की शुरुआत पहले ही खराब रही हो, लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर 42, ललित यादव 22 और अंत में रोमन पावेल ने 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और दिल्ली कैपिटल ने शानदार 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले को एक ओवर शेष रहते ही दिल्ली कैपिटल ने जीत लिया है। इस जीत के साथ ही अब पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण कि आखिरकार कौन सी टीम किस नंबर पर है और कितने मुकाबले जीतने के बाद पहुंच रही है वो प्ले ऑफ में और कितने प्रतिशत उस टीम के चांस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 10 टीम की। तो पॉइंट टेबल में फिलहाल नंबर 10 पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जिन्होंने अब तक अपने 8 मुकाबले खेल लिए हैं और 8 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि मुंबई इंडियंस अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है। साथ ही इनकी नेट रन रेट की हम बात करें तो अभी -1.00 है, यानी कि इनकी नेट रन रेट भी माइनस में है। तो यह टीम इस समय पूरी तरह से आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी है। अब इनके 1% भी चांस नहीं है कि यह टीम प्ले ऑफ में पहुंच सकती है, यानी कि आईपीएल 2022 की पहली बार होने वाली टीम मुंबई इंडियंस है। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 9 की। तो यहाँ पर मौजूद है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि 6 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके 4 पॉइंट हैं, जबकि इनकी नेट रन रेट की हम बात करें तो -0.538 है। इस टीम के प्ले ऑफ में पहुंचने के अभी भी चांस है। अगर ये अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीतती है तो ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी, लेकिन उसके लिए इन्हें सभी मुकाबले जीतने हैं। यानी कि अब हम प्रतिशत में चांस बताएं कि यह टीम कितने प्रतिशत प्ले ऑफ में पहुँच सकती है, तो अभी भी 25% चांस है कि यह टीम प्ले ऑफ में पहुँच सकती है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो कि इस समय नंबर 8 पर मौजूद है। अब इस टीम ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही मुकाबले जीते हैं, जबकि इन्हें 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि अपने आखिरी 4 में से 4 मुकाबले ये टीम हार चुकी है। इनके फिलहाल 6 पॉइंट है, जबकि नेट रन रेट इनकी -0.006 है। इस टीम के प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए 5 में से 5 ही मुकाबले जीतने हैं और थोड़े बड़े अंतर से भी इन्हें जीतने होंगे। साथ ही इस टीम की बात करें कि कितने प्रतिशत चांस है इनके, तो अभी इनके 25% इनके भी चांस है कि यह टीम प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। वहीं पर दोस्तों, आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की जीत के बाद अब नंबर 7 पर खिसक चुकी है पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 4 ही मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इस टीम के 8 पॉइंट है, जबकि इनकी नेट रन रेट -0.419 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माइनस में है। लेकिन इस टीम के अभी भी प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस है। अपने बचे हुए 6 में से ये टीम 4 मुकाबले जीत लेती है तो भी प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी, हालांकि इन्हें नेट रन रेट थोड़ी बेहतर होगी, यानी कि इस टीम के 40% चांस है कि ये प्ले ऑफ में पहुँच सकती है।
वहीं पर दोस्तों आज के मुकाबले में जीत के साथ अब नंबर 6 पर पहुंच चुकी है दिल्ली कैपिटल, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 ही मुकाबले हारे हैं। इनके फिलहाल 8 पॉइंट है जबकि इनकी नेट रनरेट +0.695 है जो कि काफ़ी शानदार है, यानी कि नेट रनरेट इनकी बेहतर है। लेकिन अभी भी इस टीम को प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए अपने बचे हुए 6 में से 4 मुकाबले जीतने हैं। अगर ये टीम 4 मुकाबले जीती है तो प्ले ऑफ में पहुँच जाएगी, और फिलहाल अभी हम चांस की बात करें तो 50% चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में पहुंचेगी। वहीं पर दोस्तों अब हम नंबर 5 टीम की बात करते हैं, यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम है जिन्होंने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि 4 मुकाबले हारे हैं। इस टीम के पास 10 पॉइंट है लेकिन इनकी नेट रनरेट अभी भी -0.500 बेहतर है, और आखिरी 2 मुकाबले जिस तरीके से इस टीम ने हारे हैं उनसे इनके प्ले ऑफ में पहुँचने के चांस अब 45% रह गए हैं, यानी कि इन्हें बचे हुए अपने 5 में से अभी भी 3 मुकाबले जीतने हैं, लेकिन नेट रनरेट बेहतर करने के लिए इन्हें एक बड़ा मुकाबला भी जीतना होगा। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 5 मुकाबले जीते जबकि सिर्फ 3 ही मुकाबले हारे हैं। इस टीम के 10 अंक है, साथ ही इनकी नेट रनरेट भी +0.334 है जो कि काफ़ी शानदार है, और इसी के साथ ये टीम अभी भी इनके चांस है कि ये टीम 60% पूरी तरह से प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 टीम की हम बात करें तो अब यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम है जिन्होंने 8 मुकाबले खेले जिनमें से 5 मुकाबले जीते जबकि 3 मुकाबले हारे हैं। इनके फिलहाल 10 पॉइंट है जबकि इनकी नेट रनरेट +0.600 है जो कि काफ़ी शानदार है, और ये टीम के काफ़ी ज़्यादा चांस है, यानी कि 75% चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करेगी। अभी भी इनके पास 6 मुकाबले बचे हुए जिनमें से 3 मुकाबले जीते ये टीम प्ले ऑफ में जगह पक्की कर लेगी। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 2 टीम की हम बात करें तो यहाँ पर हैं राजस्थान रॉयल्स जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 6 मुकाबले जीते हैं जबकि सिर्फ 2 मुकाबले हारे हैं। इनके फिलहाल 12 पॉइंट है जबकि ये टीम के नेट रनरेट +0.561 है जो कि काफ़ी शानदार है। इस टीम को अब सिर्फ 2 ही मुकाबले जीतने हैं, यानी कि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम प्ले ऑफ में 100% अपनी जगह पक्की करेगी, लेकिन किस नंबर पर यह जगह पक्की करेगी ये हमें अब देखना होगा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अब नंबर 1 टीम की, तो यहाँ पर मौजूद है फिलहाल गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 7 मुकाबले जीते हैं जबकि सिर्फ 1 मुकाबले में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इनके 14 पॉइंट हो चुके हैं जबकि नेट रनरेट इनकी +0.371 है जो कि काफ़ी शानदार है, यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम भी IPL 2022 के प्ले ऑफ में 100% अपनी जगह पक्की करेगी जबकि इस टीम को सिर्फ 1 ही मुकाबला अब और जीतना है। लेकिन ये टीम चाहेगी कि नंबर 1 या नंबर 2 पर फिलहाल यहाँ पर IPL 2022 को ये टीम खत्म करे पॉइंट टेबल में। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं अब कौन सी 4 टीमें जो फिलहाल पहुँच रही है प्ले ऑफ में, तो वो है गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, सनराइज हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो दोस्तों आपके हिसाब से 4 टीमें कौन सी पहुंचेगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।